everyone. So, how are you all? I think you all are fine. And you are living very well in your life and learning literature very well. So, ज़्यादा time waste ना करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं. आज हम यूनिवर्सिटी वर्ड्स को जानेंगे. वैसे तो हम सभी जानते हैं, बट मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, जो कि आप भूल ही नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर है यूनिवर्सिटी वर्ड्स. आखिर है क्या ये यूनिवर्सिटी वर्ड्स? कौन थे ये लोग? तो यूनिवर्सिटी वर्ड्स बिफोर शेक्सपियर आए थे, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं ना कि सब्जी को बनाने से पहले उसमें मसाला प्रिपेयर पहले से कर दो तो सब्जी बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, तो ठीक वैसे ही यूनिवर्सिटी वर्ड्स वैसा ही मसाला है जो कि शेक्सपियर से पहले तैयार हुआ और बाद में शेक्सपियर ने उसमें ऐसे ज़्यादा इतनी अच्छे प्रकार से उसको पकाया कि हाँ, आज भी पूरे संसार में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर शेक्सपियर का नाम ही ना लिया जाता होगा. एवरीवन नोज अबाउट शेक्सपियर, एवरीवन नोज देयर लाइंस. सो स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्सिटी वर्ड्स इज़ अ ग्रेट ग्रुप, ठीक है. ये एक बहुत ज़्यादा ग्रेट ग्रुप था. किन लोगों का? जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि पहले के समय में शिक्षा बहुत कम दी जाती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बाहर जाकर ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज में शिक्षा ली, एजुकेशन लिया. और बहुत एक प्रूडेंट होते हैं, समझदार लोग हैं, उनकी श्रेणी में आए, तो उनके नाम से ये लोग जाने जाते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स. तो ये 16th सेंचुरी में प्ले राइट्स करते थे और ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी कहे जाते थे. तो अगर हम इनकी ट्रिक देखेंगे तो आप नॉर्मल सा ले लीजिए, LPG, MKNL, ये मैंने कई जगह देखी है, बट मैंने अपनी खुद एक ट्रिक बनाई है. जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी प्रूडेंट हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं, तो उनको हम कैसे बताएंगे? जैसे कि हम तो ये जानते हैं कि जो थॉमस किट थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, ठीक है. थॉमस किट वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज एंड दे हैड स्टडीड द मर्चेंट टेलर स्कूल. तो उन्होंने जो एजुकेशन ली थी वो मर्चेंट टेलर स्कूल में ली थी, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है. ऑल दीज ड्रामेटिस्ट प्रिपेयर्ड द वे राइटिंग ऑफ ड्रामा फ्रॉम विलियम शेक्सपियर. तो मैंने अभी बताया कि जो विलियम शेक्सपियर के लिए एक स्टैंड सेट करना था वो किन्होंने तैयार किया? यूनिवर्सिटी विट्स ने. तो हाँ, हम मुद्दे की बात पर आते हैं. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस. क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ही फेमस राइटर थे उस समय के, और कहा भी जाता है कि अगर वो जिंदा होते, लॉन्ग टाइम तक जीवन यापन करते, लॉन्ग टाइम तक उनकी लाइफ एज रही होती, तो कहा भी जाता है कि वो विलियम शेक्सपियर को पीछे कर देते. देखिए कितने महान थे ये. देन ऑक्सफर्ड में पढ़ते थे जॉन डिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पीली. तो इनके ट्रिक कैसे बनाएंगे? ट्रिक बनाने के बहुत सारे हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं CRT JTG, ठीक है. CRT से हो गया क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश. और JTG या फिर JTLG, अगर आप ज़्यादा ही क्लैरिटी चाहते हैं तो JTLG कर सकते हैं. जे से हो गया जॉन डिली, टी से हो गया थॉमस लॉज, टी और एल उसमें मिक्स कर दिया, टी और एल, थॉमस लॉज. और फिर जी से हो गया जॉर्ज पीली. तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं. देन हम मार्लो के कुछ वर्क देख लेते हैं, क्योंकि ये उस जमाने के बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट थे. यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा, जो कि 1592 में पब्लिश हुआ था. एंड इसमें इन्होंने साइंटिस्ट, मैजिशियन और थ्रस्ट ऑफ नॉलेज के बारे में बताया है कि किस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स थ्रस्ट ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते थे. देन इनका है टम्बरलेन, ज्यू ऑफ माल्टा. तो ये इनके कुछ सम वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. और यूनिवर्सिटी विट्स कितना अच्छा लिख सकते थे उस ज़माने में, इन सबको ये बताते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माई साइड, बिकॉज टॉपिक को क्लैरिटी में बता दो, कम शब्द में बता दो, वो ज़्यादा बेटर है. ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण अक्सर बोरियत प्रदान करता है. सो बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड डे. सो कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग लिटरेचर. थैंक यू सो मच.